ऐसे ब्रह्मा कुमारीज के देश भर के सेवा केंद्रों पे लोहड़ी और मकर संक्रांति उत्सव धूमधाम से मनाया गया, जहां लोहड़ी के पावन पर्व के अवसर पर लोगों ने अग्नि के सामने अपनी बुराइयों और कमी कमजोरियों की आहुति दी। तो वही मकर संक्रांति के अवसर पर सेवा केंद्रों पर महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम समारोह आयोजित किया गया, तो कहीं दीप प्रज्वलन कर ईश्वरी स्मृति में सभी को मकर संक्रांति के आध्यात्मिक महत्व को बताया गया। इसी तरह मकर संक्रांति उत्सव को श्रेष्ठ विचारों की क्रांति बताकर इस दिन से जीवन को श्रेष्ठ बनाने के संकल्प भी सभी से कराए गए। चलिए देखते हैं इन त्योहारों को जगह जगह किस तरह मनाया गया। जम्मू के बीसी रोड सेवा केंद्र पर वीआईपी के लिए ब्रह्मा कुमारी की ओर से लोहड़ी का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद रहे। आपने कहा कि मैं पिछले साल भी लोहड़ी उत्सव पर ब्रह्मा कुमारी परिवार में आया था और यहाँ आना मुझे बहुत आनंद देता है। इस मौके पर JNK और लद्दाख की प्रभारी BK सुदर्शन दीदी ने सभी को लोहड़ी की शुभकामनाएं दी और राजयोग मेडिटेशन अनुभूति कराई। इस दौरान जम्मू स्पोर्ट्स विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर BK रविंद्र भाई, पूर्व मंत्री जम्मू कश्मीर युगल किशोर शर्मा, पद्मश्री SP वर्मा समेत कई जिलों के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम समेत लोहड़ी के आध्यात्मिक अर्थ पर नाटक भी प्रस्तुत किया गया। पंजाब के पातड़ा ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर लोहड़ी का त्यौहार गीत संगीत के बीच मनाया गया। कार्यक्रम में भाग लेने के लिए माउंट आबू से विशेष BK रमेश सेवा केंद्र पहुंचे और सभी को लोहड़ी मकर संक्रांति की बधाई दी। कार्यक्रम में सेवा केंद्र संचालिका BK निशा दीदी ने कहा कि लोहड़ी दो शब्दों का सुमेल है, लो और हरी, अर्थात अपने जीवन की दुख चिंताओं को हरी को अर्पित करो और तिल समान अपनी छोटी छोटी कमी कमजोरियों को योग रूपी लो में स्वाहा करो। आत्मा की उन्नति के लिए हमने योग अग्नि में अपनी कमी कमजोरियों को भस्म करना है। बेंगलुरु के ब्रह्मा कुमारी बसवाना गुड़ी सेवा केंद्र में पर्यावरण के प्रति आभार जताते हुए पहला फसल उत्सव यानी मकर संक्रांति मनाया गया। इस दौरान पूरे सभागृह को विशेष पतंगों से सजाया गया था। कार्यक्रम में विवीपुरम सब जोन प्रभारी BK अंबिका दीदी ने कहा कि तिल और गुड़ अच्छे रिश्ते बनाए रखने का संदेश देते हैं, जिससे समाज में एकता आती है। तो पतंगे संदेश देती हैं कि हल्के रहो और सारे बंधन छोड़कर उड़ो। कार्यक्रम में लगभग 350 से अधिक BK सदस्यों ने हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के मदनापल्ली टाउन में ZPH स्कूल ग्राउंड में मकर संक्रांति मनाई गई। इस मौके पर विभिन्न स्टॉल के बीच ब्रह्मा कुमारी ने भी एक स्टॉल सजाया। इस दौरान विभिन्न अधिकारी और गणमान्य लोग ब्रह्मा कुमारी के स्टॉल पर पहुंचे और ईश्वरीय परिचय लिया। इसी तरह पुणे ब्रह्मा कुमारी रविवार पेट सेवा केंद्र पर भी मकर संक्रांति के अवसर पर महिलाओं के लिए हल्दी कुमकुम कार्यक्रम रखा गया। इस अवसर पर BK रोहिणी दीदी ने मकर संक्रांति उत्सव मनाने के आध्यात्मिक महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि सूर्य का कर्क रेखा से मकर रेखा में प्रवेश मानव जीवन में परिवर्तन और विश्व परिवर्तन का आधार बनता है, लिहाजा यह उत्सव परिवर्तन का प्रतीक है। इंदौर के प्रिकांको कॉलोनी में मकर संक्रांति का कार्यक्रम बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर BK दामिनी ने कहा कि संक्रांति का अर्थ है संस्कारों में क्रांति लाना, अपने अवगुणों को त्याग कर सद्गुणों को अपनाना। यह त्यौहार संगम युग का यादगार है। उड़ीसा के संबलपुर में भी मकर संक्रांति उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर संबलपुर सब जोन प्रभारी BK पार्वती समेत सभी BK बहनों ने पतंग के साथ डांस किया।